हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स और आगे कीजिए शेयर, और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी आवश्यकताएं। हम आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाते रहेंगे ट्यूटोरियल्स और आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही यूनिक होने वाला है। टाइटल आप सभी ने पढ़ ही लिया है, और ये जो आज वीडियो आपको मिलने वाला है, ट्यूटोरियल मिलने वाला है, ये ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा एज ए टॉकबैक के साथ ब्लाइंड फील्ड में। ये यूनिक वीडियो आप सभी की डिमांड पे ये बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे थे कि सर, हमें जैसे हम कोई अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाते हैं या फिर हम वो स्कीम अवेल करते हैं, तो उसके बाद उसकी जो प्रोफाइल है उसमें कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है इन्वेस्टमेंट, और कितना हम मतलब हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है, या अगर हमें हमारा जो ई प्राण है उसे डाउनलोड करना है, तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका सलूशन लेकर मैं आ चुका हूँ आज की इस वीडियो में, और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता है, अटल पेंशन योजना है जो, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, अन्यथा आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आज आप सीखेंगे अगर आपका अटल पेंशन योजना का कोई भी स्कीम आपने ले रखी है, कितना ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, आज मैं पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। सपोज मान लीजिए आपका कोई अटल पेंशन योजना की आपकी स्कीम है, ठीक है, आपको ये देखना है कि आपने रिसेंटली कितने कंट्रीब्यूशन किया है इसमें, वो आप चेक कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर्ड है वो भी आप देख सकते हैं प्रोफाइल में जाके। और सपोज आपके पास ई प्राण आपको डाउनलोड करना है अपना, ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें स्कीम में अवेल इंक्लूड होते हैं तो हमें एक प्राण नंबर दिया जाता है, यानी प्राण कार्ड दिया जाता है। तो उस प्राण कार्ड को अपने मोबाइल से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह की यूनिक वीडियो पाने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और, आप सभी को मेरे एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे। हालांकि कल था ये रिपब्लिक डे, बट मैं वीडियो मेरी आज आपको मिल रही है यानी वेडनेसडे को, तो उसके लिए मैं आपको बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे बोल रहा हूँ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे ये एहसास होगा कि आपने मेरा जो हैप्पी रिपब्लिक डे है उसे कबूल किया, एक्सेप्ट किया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसका कुछ बेसिक। ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन का नाम है APN NPS Lite। जी हाँ, APN अटल पेंशन और NPS न्यू पेंशन स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है। आपने सिंपली प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है, और अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं हमेशा देता ही हूँ, और इस वीडियो में मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी उसे टेकअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ और एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है और किस तरह से इसमें सारा जो है आपका डेटा इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अटल पेंशन योजना का कोई भी स्कीम आपने ले रखी है या फिर आप इन फ्यूचर लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि टॉकबैक के साथ ऐसी कोई भी वीडियो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अटल पेंशन जो योजना है ना, ये एक भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है,
और मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आप अपने स्तर पे देख सकते हैं इसे लेना या नहीं लेना है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने अटल पेंशन योजना को अवेल किया है ना, आपने एक्टिवेट करा लिया, इसको बैंक में जाके एक्टिवेट करवाना पड़ता है, ठीक है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप जा सकते हैं और वहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे मिल सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि मुझे APN का अपना जो है स्कीम लेना है। फिर आपको वो प्लान बताएंगे हर अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने इसको ले रखा है तो मेरा पर मंथ जो है 64 रुपीज़ कटता है और ये मेरा 60 साल तक कटेगा, उसके बाद जो है मुझे पेंशन के रूप में प्रति महीना 1000 रुपये दिया जाएगा। वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। और इसमें एक्सीडेंटल, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या वो विकलांग हो जाता है तो उसमें भी इसमें काफ़ी अच्छा रिकवर मिल जाता है। और दूसरा इसमें एक ख़ास बात और है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनके लिए NPS होता है, बट ये APN जो है ये सिर्फ अन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, ठीक है। सपोज़ आपने अभी एक्टिवेट करा लिया, आप स्टूडेंट हैं और उसके बाद आपकी कहीं जॉब लग जाती है, तो आप उसको वहीं से डिसकंटिन्यू करते हुए आपका जितना भी अमाउंट अभी तक डिटेक्ट हुआ है वहाँ पे APN में, उसका जो कुछ परसेंट आपको लगा के इंटरेस्ट, वो आपके डायरेक्टली अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आपको बैंक में जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आपको बताना होता है कि मेरी जॉब लग गई है और मैं इसे डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, यानी स्टॉप करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, फिर आपको उसको बंद करके 15 दिन में इसका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी आपका अमाउंट अभी तक सेविंग हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझे होंगे। अब एक बात और यहाँ पे एक मैं क्लियर कर देता हूँ इसके लिए, अगर आपको ये APN जो लेना है, अटल पेंशन की स्कीम है जो, ये अगर आपको लेनी है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, उनको बोलिए, आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, आपकी फ़ोटो लगेगी, आप अपना बैंक अकाउंट ज़रूर लेके जाइएगा, तो जैसे ही आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि आप हर महीने कितने का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से हर महीने उतने रुपये कट जाए करेंगे और वो आपके APN में सेविंग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक प्रान नंबर दिया जाएगा, उस प्रान नंबर को लेके इस वीडियो को यहाँ पे आपने स्टार्ट कर लेना है और आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए मैं APN जो है एप्लीकेशन उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इस पे हम सिंपली डबल टैप करेंगे। National Pension System. ये देखिए National Pension System, ठीक है। तो ये आपने इसकी हेडिंग पढ़ ली इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही, और इस एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में से उठा लीजिएगा, क्योंकि प्ले स्टोर पर हो सकता है आपको जल्दी ना मिले ये, क्योंकि काफ़ी सर्च करना पड़ता है। वैसे सिंपली आप APN NPS लिखेंगे तो फर्स्ट वाली आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन में से भी इसे उठा सकते हैं। तो अभी मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे प्रान नंबर आपका मांगेगा, जो कि आपको बैंक द्वारा भी दिया जाएगा, और जब भी आपका हर महीने कोई भी जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी आप प्लान लेंगे वो जैसे ही कटेगा तो उसके नीचे एक लिंक भी दिया होगा, उसके थ्रू भी इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रान नंबर भी आपको उसमें आ जाता है। वैसे आप बैंक से भी जाके ले सकते हैं प्रान नंबर, क्योंकि बिना प्रान नंबर के इस एप्लीकेशन का कोई काम नहीं होगा। तो चलिए अभी हम राइट स्वाइप कर लेते हैं। This application is developed and maintained by... ये देखिए ये बता रहा है कि इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है और क्या इसका वो है। NSDLE Governor, Proper NPS Lite. ये देखिए ई गवर्नमेंट है ना, जो ये देखिए NSDLE Governor, Proper NPS Lite. NSDL है ना, तो इन्होंने इसको जो है डेवलप किया है। तो राइट स्वाइप करेंगे हम, अभी मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता करता चलूंगा। 500386174920 एट ये देखिए यहाँ पे आपको प्राण डालना है अपना, ठीक है। प्राण नंबर मैंने अपना डाल रखा है ऑलरेडी, मैं राइट स्वाइप करूंगा। एक बार अगर आप डाल देंगे तो उसके बाद बार बार डालने की इसको जरूरत नहीं है। राइट स्वाइप करेंगे हम, इसको आपने टिक कर देना है, टिक रिमेम्बर प्राण, ठीक है, ताकि आपको ये बार बार वो ना करना पड़े, ये डाला रहे ऑटोमेटिक। राइट स्वाइप करेंगे, अब लॉगिन बटन है। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे टैप करूंगा तो इसमें कोई हमें पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, आपके फोन पे सिंपली एक OTP आएगा, OTP उस पे आएगा जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करवा रखा होगा बैंक में।
सपोज आपके पास एक मोबाइल नंबर है, वो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, तो ये वाला नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है ना बैंक में, वो ऑटोमेटिक इसमें भी रजिस्टर हो जाता है। वरना आप फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दूसरा भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। क्योंकि मेरा नंबर अब रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही मैं लॉगिन पे डबल टैप करता हूँ मेरे पास एक ओटीपी आएगा। तो चलिए डबल टैप कर लेते हैं, इस पर सिंपली डबल टैप करेंगे। OTP sent successfully to mobile number 918 asterisk 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 5. Okay, button. ये देखिए, इसने बता दिया कि ये लास्ट के कुछ डिजिट बता दिए इसने, उस पे OTP गया, तो ओके कर दूंगा सिंपली। ABN NPS light. 5003 hit. Remember, enter OTP. ये देखिए, enter OTP. Password. Enter received OTP. Edit box. तो इस पे डबल टैप करेंगे। Showing numeric password keyboard. Code 872373 from messages. ये OTP आ गया, सिंपली मैं OTP डालता हूँ। 5 bullet 3 and submit button. और सिंपली submit पे double tap कर दूँगा। Alert, please wait while we fetch your details. तो अभी मेरी डिटेल फेच कर रहा है, देखते हैं कितना समय लगाएगा ये। मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगाता है। अभी ये मेरी डिटेल को फेच कर रहा है, यानी ढूंढ रहा है कि इस नंबर से जो प्लान है कौन सा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो अभी logged successfully. ये देखिए, numeric password keyboard hidden 301.27. ये देखिए, इसने मुझे बता दिया कि logged in successfully, क्योंकि मेरा इसमें login हो चुका है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस थोड़ा सा बता देता हूँ। टॉप लेफ्ट में आपको एक नेविगेट बटन मिलेगा, ओपन नेविगेशन डोर बटन। ये ओपन नेविगेशन डोर है, ठीक है। तो पहले हम इसमें चलेंगे और आपको इसमें दिखाएंगे कि आपको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। फिर होम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि आपको क्या क्या मिलता है। तो मैं सिंपली इस पे डबल टैप करूंगा। मेन्यू, वेलकम श्री तरुण कुमार, 1 of 8, एंड लिस्ट 8 आइटम्स। ये देखिए, यहाँ पे आ गया वेलकम श्री तरुण कुमार, यानी मेरा नाम आ गया, क्योंकि मैंने इसमें अपना जो स्कीम है वो ले रखा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आपको आपका नाम दिखाएगा, आप फीमेल हैं तो आपका फीमेल के हिसाब से बताएगा। अब मैं जैसे मेल हूँ तो श्री के हिसाब से ये बता रहा है। तो राइट स्वाइप करेंगे हम, होम 2 of 8। ये देखिए होम, जैसे इस पर डबल टैप करेंगे होम पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ की अभी हम थे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोबारा से राइट स्वाइप करूंगा। अकाउंट डिटेल्स 3 of 8। यहाँ पे आप अपने अकाउंट डिटेल्स सारी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। राइट स्वाइप करेंगे। Recent contribution 4 of 8। यहाँ पे रिसेंट कंट्रीब्यूशन मतलब अभी रिसेंटली कितना कंट्रीब्यूशन आपका कब कटा है, कौन सी तारीख को कटा है, वो सारा डिटेल यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे हम। ई प्राण व्यू यानी जो ई प्राण कार्ड है ना, जैसे आजकल डिजिटल आता है पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपसे यहाँ से ये कलेक्ट हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट 6 of 8। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका ये 21 में आपने खुलवाया है, 5 साल बाद आपको इसका ट्रांजैक्शन डिटेल चाहिए, तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे। इंक्वायरी यहाँ पे आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। लॉगआउट 8 of 8। और यहाँ से सिंपली आप इसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो वापस से हम राइट स्वाइप करते करते चलेंगे और अकाउंट में चलेंगे। वेलकम होम 2 अकाउंट डिटेल्स 3 of 8। अकाउंट डिटेल सिंपल इस पे डबल टैप करते हैं। अलर्ट लोडिंग, ये देखिए लोडिंग हो गया, अब मेरे पास ये पेज खुल चुका है। अभी मैं राइट स्वाइप करूंगा। ओपन नेविगेशन अकाउंट डिटेल्स, ये देखिए अकाउंट डिटेल इसकी हेडिंग आ गई। अभी राइट स्वाइप करते हैं। एक्शन होम, एक्शन होम राइट स्वाइप करेंगे। एक्शन STMT ट्रैन, एक्शन ये बटन बोल रहा है कुछ, है ना, तो ये टॉकबैक के साथ थोड़ा सा बटन मतलब सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा क्या मिलता है, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे। एक्शन लॉगआउट, एक्शन लॉगआउट यहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे। श्री तरुण कुमार, ये मेरा नाम आ गया श्री तरुण कुमार। राइट स्वाइप करेंगे। SO मैनेज कुमार, एज नंबर 135 वार्ड 15, ओल्ड सैपजी मैंडी पैनाबटेरियन-132103 इंडिया। ये देखिए, यहाँ पे आपका फादर का नाम और पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा देगा। राइट स्वाइप करेंगे। डैश 9189307 ZIP PAN, ये देखिए यहाँ पे आपको ये आपका पूरा मोबाइल नंबर दिखाएगा, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे। स्टेटस PAN, ये देखिए प्राण स्टेटस जो प्राण नंबर आपको मिलेगा 500 एक्टिव, ये देखिए ये एक्टिव है, ऊपर आपको प्राण नंबर बताएगा, नीचे दिखाएगा एक्टिव, क्योंकि मेरा अभी एक्टिव है, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे। NLO Recno, ठीक है। राइट स्वाइप करते हैं। NLO name 7001750, ये देखिए ये कुछ कोड होते हैं, सीरियल कोड होते हैं, ये भी आपको साथ में यहाँ दिखाएगा सारे, ठीक है। Canara Bank, ये देखिए कैनरा बैंक है मेरा, ये भी इसने बता दिया। Contribution frequency, contribution frequency, scheme choice,
स्कीम चॉइस मंथली मंथली। देखिए मैंने मंथली का स्कीम ले रखा है, इसने मेरे को बता दिया, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, डिफॉल्ट स्कीम सेटअप, डिफॉल्ट स्कीम सेटअप, पेंशन अमाउंट, पेंशन अमाउंट, कंट्रीब्यूशन अमाउंट, कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1000, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 1000 रुपये मुझे पर मंथ पेंशन दी जाएगी 60 साल के बाद, जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से उसमें सरकार भी ऐड करेगी अपना, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, 64.00 यानी 64 रुपये मेरे हर महीने यहाँ पे कट रहे हैं, ये भी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे, डाउनलोड ई प्राण व्यू, यहाँ से आप अपना डिजिटली जो प्राण है, प्राण कार्ड है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले आपके पास आपका प्राण कार्ड होना जरूरी है, वो आपको बैंक से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो नंबर होता है उसको डाल के ही इस एप्लीकेशन में हम लॉग इन कर सकते हैं। तो मुझे अभी डिजिटल अपना नहीं डाउनलोड करना है, मैं कर चुका हूँ, वरना आप इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से बैक कर दूंगा एक बार, ये बैक जैसे ही बटन दबाएंगे तो पूछेगा लॉग आउट करना है या क्या करना है। Cancel button. तो यहाँ कैंसिल पे करूंगा, ओपन नेविगेशन डोर टॉप लेफ्ट में मिलेगा आपको, इस पे डबल टैप कर दूंगा, अकाउंट में देख लिया हमने, अभी अगले ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। ये देखिए इस पे टिक लग गया क्योंकि ये हम देख चुके हैं। राइट स्वाइप करेंगे, रिसेंट कंट्रीब्यूशन मतलब रिसेंटली हमने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो देख लेते हैं, डबल टैप करेंगे इस पे। ये देखिए इसने पूरा डेटा आपका यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता करता चलूंगा, ओपन नेविगेशन डोर बटन, पहला ऑप्शन आ गया ओपन नेविगेशन डोर, राइट स्वाइप करेंगे, रीसेंट कंट्रीब्यूशन, ये हेडिंग आ गई रीसेंट कंट्रीब्यूशन, एक्शन होम, एक्शन एसटीएमटी ट्रैन, ये वही बटन आ गए, ठीक है। ये बटन का ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा फिर भी आपको। राइट स्वाइप करेंगे, एक्शन लॉग आउट कर सकते हैं इसे आप, ठीक है। रीसेंट 5 contributions, ये देखिए रिसेंटली 5 contributions जो मेरी हुई है वो कौन कौन सी हुई है। राइट स्वाइप करेंगे, डेट January 4, 2021, टाइप क्रेडिट अमाउंट 64, रिमार्क्स IAP contribution for December 2020, units allotted as per NAV of 2021-01-04**1-5, enlist 5 items. ये देखिए इसने बता दिया जनवरी में कौन सी तारीख को कटा है और कौन से महीने का कटा है, यानी दिसंबर का जनवरी में कटा है और कितना कटा है और किस लिए कटा है, सारा डिटेल इसने यहाँ पे मुझे बता दिया। राइट स्वाइप करूंगा अभी मैं, date November 17, 2020, type credit amount 64, remarks IAP contribution for November 2020, units allotted as per NAV of 2020-11-17**2-5. ये देखिए इस तरह से आप अपना जो रिसेंटली कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं जो ऊपर बटन की बात कर रहा था वो दिखा देता हूँ आपको, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं, टॉप राइट में ऊपर टैप करूंगा मैं, सिंपली टच करूंगा, एक्शन लॉग आउट आउट ऑफ लिस्ट, ये तो लॉग आउट का हो गया बटन, एक्शन एसटीएमटी ट्रैन, इस पर डबल टैप करते हैं, ये वही वाला है कि मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। ये बटन है जो यहाँ पे, सिंपली मैं एक बार एक्शन लॉग, एक्शन एसटीएमटी, एक्शन होम बटन पे डबल टैप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे होम पे आ गया हूँ, ठीक है। तो वापिस से शो नेविगेशन डोर में चलेंगे और अगला ऑप्शन दिखा दूंगा आपको, ओपन Recent contribution, 4 of 8. Recent contribution हमने देख लिया यहाँ पे, अभी हम राइट स्वाइप करेंगे, E-Prand View. तो ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप अपना डिजिटली जो ई प्राण कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। PDF फॉर्मेट में आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। राइट स्वाइप करेंगे हम, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, इस पे डबल टैप करते हैं, ये देखिए अभी मैं राइट स्वाइप करूंगा, ओपन नेविगेशन, एक्शन होम, एक्शन एसटीएम, एक्शन लॉगआउट, फाइनेंशियल ईयर एस्टरिस्क, फाइनेंशियल ईयर, कौन से ईयर का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है। राइट स्वाइप करेंगे हम, ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट ईयर, इस पे डबल टैप करेंगे, पॉप अप विंडो 2019-2020, 3 of 9, 2019-2020 का देखना है, 2018-2019, 4 of 9, 18-19 का देखना है, मतलब कौन से ईयर का देखना है आपने चूज करना है। तो मैं 2021 डाल देता हूँ, 2019-2020, ओपन नेविगेशन डोर बटन, 19-20 का डाल दिया मैंने, साथ एक्शन होम, एक्शन एसटी, एक्शन फाइनेंस, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, सबमिट बटन मिलेगा, इस पे डबल टैप करेंगे, डाउनलोड स्टेटमेंट, डू यू वांट द डाउनलोड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, राइट स्वाइप करेंगे, नो बट यस करेंगे, अलर्ट लोडिंग, प्लीज वेट, पीडीएफ डाउनलोडेड,
ओके बटन। तो ये पीडीएफ डाउनलोडेड बोल दिया इसने, ठीक है, मेरी पीडीएफ जो है डाउनलोड हो रही होगी अभी, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है। कई बार ये डाउनलोड नहीं भी हो पाती है क्योंकि ये टेक्निकल एरर हो सकता है, क्योंकि अभी ये लाइट वे में एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन काम है वो आपका इस एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। तो सिंपली इस पे ओके पे डबल टैप कर देंगे और वापस से शो नेविगेशन डोर में चलते हैं। ओपन नेविगेशन, वेलकम होम, अकाउंट रीसेंट, ई ब्रांड न्यू, टिक्ड, ट्रांजैक्ट, एनक्वायरी स्लैश ग्रीवेंस, टिक्ड, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, 6 ऑफ 8। तो ये ऑप्शन हमने देख लिया, अभी राइट स्वाइप करेंगे, एनक्वायरी स्लैश ग्रीवेंस, 7 ऑफ 8। इस पे सिंपली डबल टैप करेंगे, नॉट टिक्ड। अब राइट स्वाइप करेंगे हम, ओपन नेविगेशन, एनक्वायरी स्लैश ग्रीवेंस, ये देखिए इंक्वायरी वगैरह, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे, एक्शन होम, एक्शन एसटीएम, एक्शन लॉगआउट, ग्रीवेंस टाइप एस्टरिस्क, Not ticked, inquiry, radio button. ये देखिए, not ticked, inquiry. Not ticked, grievance, radio button. Not ticked, grievance. Category, asterisk. Category. Drop down menu, select category. देखिए, अब आप यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं इनसे अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो मैं इंक्वायरी पे डबल टैप करता हूँ और टिक कर देता हूँ एक बार. Category, not ticked, grievance, not ticked, inquiry. Alert loading. इस पे मैंने डबल टैप करके टिक कर दिया, ठीक है। राइट स्वाइप करते हैं हम, ओपन नेविगेशन डोर, इंक्वायरीज, एक्शन होम, एक्शन, एक्शन, ग्रीवेंस टाइप, टिक्ड, इंक्वायरी, रेट, नॉट टिक्ड, कैटेगरी एस्टरिस्क। अब कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन सी है। राइट स्वाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिलेक्ट कैटेगरी, इस पे डबल टैप करेंगे, पॉप, इन्फॉर्मेशन, 2 of 2, आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेक्ट कैटेगरी, इन्फॉर्मेशन, 2 of 2, इन्फॉर्मेशन ही है, एक ही कैटेगरी, इस पे डबल टैप कर देंगे, अलर्ट लोडिंग, इन्फॉर्मेशन, ओपन नेविगेशन डोर, राइट स्वाइप करेंगे हम, अब यहाँ पे आपको सब कैटेगरी चूज करनी है। राइट स्वाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिलेक्ट सब कैटेगरी, इस पे डबल टैप करेंगे, पॉप अप विथ प्रोसीजर टू विथड्रॉ फंड्स फ्रॉम एबी अकाउंट, 2 of 6, ये देखिए प्रोसीजर टू विथड्रॉल वाला, मतलब अगर आपको इसका प्रोसीजर जानना है तो इस पे डबल टैप कर सकते हैं, प्रोसीजर टू चेंज डिटेल्स इन द अकाउंट, 3 of 6, चेंज डिटेल के लिए प्रोसीजर कैसे करना है वो चेक कर सकते हैं, अदर्स, 4 of 6, अदर्स, प्रोसीजर टू चेंज डिटेल्स इन द अकाउंट, procedure to withdraw funds from AB account, 2 of 6. तो मैं इस वाले पे सिंपली डबल टैप कर दूंगा, ठीक है। Alert loading. Fax procedure to withdraw funds from AB account. You are requested to submit a written request to your AB service provider, ABSP. Your ABSP has to verify the request submitted and send it to CRA at below mentioned address. NSDLE Governance Infrastructure Limited. Times Tower, 1st floor, Kamala Mills Compound, Senapati Babat Mark, Lower Peril, Mumbai-400-013-TEL, 022-409042422. Further, the details of annexure to be submitted and related guidelines on voluntary exit under AB before 60 year. Yes, button. ये देखिए, इसने बता दिया मेरे को कि आपके एड्रेस पे जो रजिस्टर एड्रेस है उसके थ्रू आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। No, button. तो मैं यस करूँ या नो करूँ, तो मैं यस करता हूँ यहाँ button. पे क्योंकि मुझे चाहिए इसकी जानकारी। Alert loading. तो लोडिंग, we thank you for using our services and being our valuable subscriber. ये देखिए, इसने मुझे बता दिया थैंक यू फॉर वैलिंग सर्विस के लिए, जो आप सर्विस यूज कर रहे हैं उनके लिए मेरे को थैंक यू कह रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि वैल्यूएबल कस्टमर हो आप, हमारे सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तो ओके कर देंगे, ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिलेक्ट सब कैटेगरी। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना जो है इंक्वायरी या जो भी दूसरा ऑप्शन था, ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से शो नेविगेशन डोर लूंगा, ओपन नेविगेशन, तो बस ये लॉग आउट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम होम पेज पे देख लेते हैं कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है वो अभी तक का कितना हो गया है, ठीक है। तो सिंपली एक बार बैक करेंगे, back. एक बार और बैक करेंगे, लॉग आउट, अलर्ट लोडिंग, एबीएन एनपीएस लाइट, 500038 Open navigation door button. वापिस से मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी मैंने होम पेज पे आपको दिखाना था कि होम पेज पे आपको क्या क्या मिलता है। अभी तक मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन मेरा इसमें हुआ है वो कितना हो चुका है वो देखते हैं। अभी मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करूंगा, होम, होम, एक्शन होम, एक्शन होम, एक्शन STMT brand. ये वही जो मिनी जो आपका ई ब्रांड है उसको देखने के लिए, एक्शन लॉग आउट, एक्शन STMT brand. नहीं, ये बटन जो मैंने आपको बताया था ना, ये उसके लिए है कि मिनी स्टेटमेंट अगर आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर, कौन से ईयर का देखना है ईयर भी आपको चूज करना है, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, एक्शन लॉग आउट, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे, 301.27,
ये देखिए 301.27 301.21 रुपये मेरे अभी तक इसमें क्रेडिट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट भी आपका जुड़ता रहता है समय समय पे, कितना मिलता है वो आगे हम अभी देख लेते हैं। तो राइट स्वाइप करेंगे हम, ये देखिए टोटल होल्ड जो होल्डिंग हुई है मेरी वो 26 जनवरी तक हुई है। ठीक है, ये दिखा रहा है। राइट स्वाइप करेंगे, श्री तरुण कुमार मेरा नाम आ गया, 5003861 एसेट एलोकेशन, ये ऊपर मेरा प्राण नंबर था, SBI पेंशन फंड स्कीम, एटल पेंशन योजना, AB। ये देखिए अब यहाँ पे आपको ये बताएगा, ये समझने वाली बात है कि कौन सा बैंक किस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करके और उसका कितना इंटरेस्ट लगाता है, ये आपको यहाँ समझना होगा। राइट स्वाइप करेंगे हम, 33.9% 33.9% ये SBI का है। ठीक है, यूनि रिटायरमेंट सॉल्यूशंस LTD स्कीम, एटल पेंशन योजना, AB। ये देखिए यूटी रिटायरमेंट स्कीम, अटल पेंशन योजना, 33.05% चल रहा है अभी। लिंक पेंशन फंड स्कीम, एटल पेंशन योजना, AB। ये देखिए लिंक पेंशन फंड स्कीम भी चूज कर सकते हैं, 33.05% ये भी उतना ही चल रहा है। होल्डिंग्स कॉलन 301.27, ये मेरा जो बैलेंस है वो बता दिया। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन अभी तक हुआ है। न्यू टेक्स्ट अमाउंट इन ट्रांजिट कॉलन जीरो। ठीक है, ये जीरो आ गया, अभी तक अमाउंट कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। SBI पेंशन फंड स्कीम, एटल पेंशन, यूनि रिटायरमेंट लिंक पेंशन, डाउनलोड। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया आपको, डाउनलोड ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, वो जो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, tarunjuneja@gmail.com, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।